माननीय न्यायालय के समक्ष एसआईटी के द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें विभिन्न धाराओं के साथ 124A जिसको सामान्यतः राजद्रोह समझ सकते हैं के विषय में ट्रायल कराने के लिए याचना की गई थी और उन सभी मुलजिमान के ऊपर 124A के साथ चार्जशीट फाइल की गई थी। परंतु बहस में ये बात सामने आई, माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात दोनों पक्षों को सुनने के बाद आई कि 124A के विचारण के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। एसआईटी के द्वारा ऐसी कोई भी परमिशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से नहीं ली गई थी। इस बात को देखते हुए कोर्ट के द्वारा धारा 124A हटा दी गई, उसका लोप कर दिया गया। सुबोध कुमार की हत्या में जो 5 नाम नामजद किए हैं आपने, आरोपी निकल कर आए हैं, वो कौन लोग हैं? इसमें 5 जो अभियुक्त हैं, प्रशांत नट, लोकेंद्र, डेविड, जॉनी और राहुल, ये 5 अभियुक्त हत्या के साक्ष्य पाए गए इनके विरुद्ध, और इनके विरुद्ध 34 IPC, 302 और अन्य कई धाराओं में अभियुक्त में चार्जशीट प्रेषित की गई है। कुछ और अभियुक्त अभी इसमें प्रकाश में आएंगे, जिनके बारे में विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया गया है कि इसमें जो भी विवेचना हमने प्रचलित रखी हुई है और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है, जो भी साक्ष्य आगे पाए जाएंगे उन साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।